हाय मेरी बच्ची को ले गया, हाय मेरी ऐसी थी तैसी, छितर ले आओ जरा तेरे में इश्क करना। हिम्मत कैसे हो गई हमारे घर से भागने की, हम तुम्हें वापस लाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे, तुम तो हमें झूठा करार दे रही थी कि अगर तूने ये बात दोबारा की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। ये कि बच्ची को आप एक दफा छोड़ कर उसके बाबा के पास जाने दीजिए, उसके बाद बच्ची तो आपको मिलेगी नहीं। सोसाइटी के अंडर प्रेशर है, वो अपने पेरेंट्स के अंडर प्रेशर है, वो पुलिस वालों के अंडर प्रेशर है, वो वकला के अंडर प्रेशर है, वो सबके ही अंडर प्रेशर है। फाइनली बच्चों को खराब मत करिए मजीद, उन लोगों को जीने दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मस्त हूँ। आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे मैं एक टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में देख रही हूँ, और हर बंदा, हर वो बंदा जिसने कभी शायद वीडियोस वगैरह बनाई भी नहीं थी, आज उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। तो मैं भी उसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, मैं दुआ जहरा केस के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको इतनी हाइप दे दी गई है विद नो रीज़न। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस टॉपिक को इतनी हाइप दे दी गई है कि ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो किस माइंडसेट को लेकर के आगे चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने एक ऐसे केस को पकड़ा और उसको इतना तोड़ा मरोड़ा और उसकी बाल की खाल खींचने में अभी तक हम लोग इतना मसरूफ है कि हम लोग थक ही नहीं रहे हैं, और हम उसी के ऊपर मुसलसल बात किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। What has done दुआ जहरा, what has done their parents, कहाँ पे किसकी क्या गलती थी? गलती दोनों तरफ से थी, मैं सीधी सी बात करूंगी, गलती दोनों तरफ की थी। कि पेरेंट्स को समझना चाहिए था बच्चे की फीलिंग्स को, दूसरा ये कि अगर आप प्रॉपर्टी के चक्कर में आकर के अपनी बेटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जहां पे आप कोर्ट में जाकर ये बात करते हैं कि बच्ची माइनर थी, उसकी शादी नहीं हो सकती थी, तो व्हाई यू वर फोर्सिंग हर टू गेट मैरिड टू हर कजन बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी इश्यूज, तो उसके लिए आप लोग उसको फोर्स कर रहे थे, जिसकी वजह से बच्ची ने इतना ड्रास्टिक स्टेप जो है वो लिया। बच्ची ने आपको बोला कि मैं इसको पसंद करती हूँ। बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज का ये फिनोमिना होता है, ये माइंडसेट होता है कि नहीं, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारे खानदान का क्या। तो बिल्कुल एक आउट ऑफ स्टेट में जाकर शादी करना, एक आउट ऑफ सेक्ट में जाकर के शादी करना, कि उनका तो फिरका ही अलग है, ठीक है, एक अलग फिरके में जाकर के एक बच्ची ने किस तरह से इतना बड़ा स्टेप ले लिया और एक अलग फिरके का बंदा आकर हमारी बच्ची को क्यों ले गया, ठीक है, पेरेंट्स की फीलिंग हर्ट हुई है जिसकी वजह से उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे कि अरे हमारी बच्ची हमें छोड़कर कैसे चली गई, उसे हमारा साथ देना चाहिए था, वो इस तरह से क्यों हमें, हमारे अगेंस्ट हो रही है। रिसेंटली बच्ची के फादर ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें कुरान पाक के ऊपर वो लोग कसम खा के बोल रहे हैं कि मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा, बेशक आपने नहीं मारा होगा, लेकिन बच्ची ने भी ये नहीं बोला कि मेरे वालिद ने मुझे मारा पीटा या ये बात कहने पे, और ये बोला हाँ आपने शायद उसको ये जरूर बोला होगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि अगर तूने ये बात दोबारा की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। ये बहुत ही आम से फिक्रे हैं जो हमें अपने जो देसी पेरेंट्स हैं उनके मुंह से सुनने को मिलते हैं। तो बच्ची जाहिर सी बात है उस स्टेट से गुजर रही है जहां पे आप उसको पाबंदियों में रख रहे हैं, बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी, आपने उसका स्कूल छुड़वा दिया हुआ, बच्ची गेम्स खेलती थी, गेम्स में इंटरेस्टेड थी, आपने जबरदस्ती उसे गेम्स दे ली हुई है। यू नो दैट के पबजी माइंड के जितने भी बच्चे हैं, जनरेशन है, अभी रिसेंटली एक केस भी आया था, मैं उसके भी एग्जाम्पल आपको दूंगी, जिसमें एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को इस वजह से कत्ल कर दिया के उसको पबजी खेलने से रोक रहे थे कि बेटा इतनी गेम्स रात में, दिन में, हर वक्त ना खेला करो। और यकीन करिए ऐसे एक दो बच्चों से मेरा भी पाला पड़ा जिसको, जो गेम्स में इतना इन्वॉल्व होते थे कि उनको रोका मैंने एक दो दफा के, इतनी गेम्स ना खेला करो, लाइफ की दूसरी भी चीजें हैं उसको भी देख लिया करो। और उन्होंने जो मुझे लुक दिया ना उसके बाद, फिर मैंने कहा अच्छा चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, तो जो चाहे वो करो आप लोग, मैं क्या रोक सकती हूँ आपको, जब आप पे पड़ेगी तब आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ठीक है ये चीज गलत थी, आपने बच्ची को गेम्स में डाल दिया, बच्ची गेम्स खेला करती थी, अब उसे हर चीज आप छीन लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं से तो वो चीज लेनी है ना। अब अगर वो अकेली वहां से गई है, किसी के सपोर्ट से वहां से गई है, उसने निकाह कर लिया, उसकी एज के मैटर में भी मैं आपको एक चीज बताऊं, बच्ची माइनर है नहीं है, हमारे देसी फैमिलीज में ही होता है, या पाकिस्तान में ऐसा होता है, या ऑल ओवर कंट्री में ऐसा होता है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान का एक जो स्टेट है वो मैं आपको बता दूं,
कि हमारे बच्चों की आला तालीम के लिए, या मुझे नहीं पता शादियों के लिए भी ऐसा होता होगा, लेकिन तालीम के लिए मोस्टली ये होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम है वो ये होता है कि 5 साल की उम्र में ही बच्चे को हम लोग बड़ी 8 क्लासेस में या 1 क्लास में जो है वो एडमिट करते हैं, अदरवाइज बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है, बहुत छोटी उम्र के बच्चे को लेके जाएं तो वो कहते हैं हम इसको कैसे एडमिशन दे दें, भले इसको बोलना आता है जो भी होता है, लेकिन हम इसको 5 साल से पहले एडमिट नहीं कर सकते हैं स्कूल में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स 2 साल उम्र जो है बच्चे की कम लिखवाते हैं, ताकि जब आगे बड़ी क्लासेस में जाता है तो उसके लिए एज का जो है वो इशू ना बने। बहुत सारे पेरेंट्स का माइंड में ये होता है कि चलो बच्चे को अगर हमारा बाहर भेजने को भी प्लान हो तो तब भी वो एक सिस्टम आता है कि एजुकेशन फलानी फलानी उम्र की हद तक ही हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। तो ये बड़े सारे इशूज होते हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए। 2 साल हमेशा बच्चे की उम्र कम लिखवाई जाती है, ये पाकिस्तानी एक फिनोमिना है, मुझे नहीं पता क्यों है लेकिन ये है, हर फैमिली में होता है। ठीक है, तो इसमें उम्र का आ जाना, अगर बच्ची की उम्र इतनी छोटी थी तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए था उसके पेरेंट्स को, अगर उन्होंने कर दिया और बच्ची ने इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लिया, बच्ची ने निकाह भी कर लिया, अब बच्ची बार बार बोल रही है भाई मुझे जीने दो मुझे जीने दो मुझे जीने दो, चलो उसको जीने तो दो, उसको उसकी जिंदगी पे उसके हालात पे छोड़ दो। अगर उसको अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करके ही कुछ चीजें हासिल करनी है, कुछ समझना है, तो उसको समझने दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। इस एक इशू को पकड़ के इतना क्यों खींचना? और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आजकल वीडियोज बना रहे हैं इसी टॉपिक को लेकर, लेकिन वो सिर्फ एक साइड की स्टोरी को ही कवर कर रहे हैं। अगर एक बंदा, मतलब दो मुखालफिन पार्टीज हो गई हैं, कुछ लोग दुआ जहरा की तरफ है, कुछ लोग उनकी तरफ है, दोनों दोनों सेट्स को सामने बिठा करके उन लोगों के व्यू पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं, जो कि फैसला करने का या किसी के व्यूज लेने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है कि दोनों पार्टीज को सामने बिठाओ और फिर दोनों के व्यूज लो, ना वो गलत बोलेगा ना वो गलत बोलेगी, अगर दोनों गलत बोलेंगे दोनों ही आमने सामने होंगे और सबके व्यूज आपके सामने होंगे, किसी को ये नहीं लगेगा अच्छा ये ज्यादा बोल रहा है वो कम बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है वो सच बोल रहा है, इस चक्कर में ही नहीं कोई भी बढ़ेगा। सो काइंडली मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जितना माइंड हमारी इस जनरेशन का खराब करना था वो सब लोगों ने मिलकर खराब कर लिया, क्योंकि अभी जो हमारी जनरेशन है ना वो इस फिनोमेना में है, हमें अपनी पसंद की शादी करनी चाहिए भाग कर या नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को हर चीज बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, ये तो कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो इतना खराब कर दिया हुआ है आप लोगों ने माइंड, बच्चों को इतना कंफ्यूज कर दिया हुआ है ये सारी वीडियोस बना करके, ये केसेस सबके सामने उछाल उछाल के दूसरा पे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट खत्म करते जा रहे हो आप, ये सब चीजें दिखा के दुआ जहरा के वो वीडियोस बनाकर उसके इंटरव्यूज दिखा करके रिस्पेक्ट खत्म हो गई हुई है, वैसे ही खत्म हो चुकी हुई थी, अभी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हुई है रिस्पेक्ट, आप कोई भी अपने पेरेंट्स की उस तरह से कर ही नहीं सकता। अभी माम ने एक थप्पड़ मार दिया वही हो गया जिस तरह के दूसरे ममालिक में होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता है कि आपने अपने बच्चे को स्लैप कर दिया, उसने फोन कर दिया पुलिस में कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मार रहे हैं तशद्दुद कर रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो वही माइंडसेट हम यहाँ पर भी अपने बच्चों के लिए जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ऐसी वीडियोज बनाई और सब लोगों को बताया, बच्चों को बताया कि बच्चे आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग भी घरों से भाग सकते हो, पुलिस वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, और पेरेंट्स आप भी बच्चों के साथ ये सब चीजें कर सकते हो, आप जबरदस्ती कर सकते हो, फिर आप कोर्ट में चले जाना, फिर झूठ बोलना, फिर जो भी चीजें हैं वो सब करना, और दोनों ही आपस में बैठ के बातचीत ना करना। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर दुआ जहरा अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाह रही या उनके साथ में नहीं रहना चाह रही, साथ में नहीं जाना चाह रही, तो यकीनन उसके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होगा ना कि मैं जाऊंगी तो ये लोग मुझे तो मार ही देंगे। ऑब्वियसली उनके माँ बाप के माइंड में ये चीजें चल रही होंगी कि बच्ची को आप एक दफा छोड़ कर उसके माँ बाप के पास जाने दीजिए, उसके बाद बच्ची तो आपको मिलेगी नहीं, कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, उसको शूट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे घर से भागने की, हम तुम्हें वापस लाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे, तुम तो हमें झूठा करार दे रही थी। तो ये सब चीजें माइंड में चलती हैं, पेरेंट्स के माइंड में भी चलती हैं, माना पेरेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, तो उन चीज़ों को आराम से सॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन आप लोग अपने फिरकों को बीच में ला करके, अपने मजाहिब को बीच में ला करके, ये सब चीज़ें बीच में ला करके आपने बच्चों को भी कंफ्यूज कर दिया, खुद भी कंफ्यूज हो गए, खुद भी जलील ख्वार हुए, उनको भी जलील ख्वार कर दिया। चले उन्होंने निकाह कर लिया, उम्र छोटी थी या बड़ी थी, आप ये चीज़ मुझे बताइए कि जहाँ पे चाइल्ड मैरिज, ठीक है 6 महीने की बच्ची का निकाह कर दिया जाता है 6 साल के बच्चे के साथ, के जब बड़े होंगे तो फिर देखेगा, ये भी हमारे ही माशरे की एक देन है ना, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो माइनर्स हैं। इसके अलावा ये कि अभी बहुत सारी मैं ऐसी पिक्चर्स देख रही हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देख रही हूँ जो 60 साल के लड़कों से, लड़के तो नहीं बेकार, आदमियों से शादियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम इनसे मोहब्बत हो गई थी, पहली नजर का पहला प्यार हो गया था, तो इसकी वजह से ये भी हमारे माशरे में ही हो रहा है ना, तो उनके ऊपर तो नहीं कोई भी आकर के कह रहा है, उनके पेरेंट्स तो नहीं आकर के कह रहे हाय मेरी बच्ची को ले गया, हाय
अब तो मैंने कोर्ट में चले जाना है, मैं इन लोगों से अपनी बच्ची निकलवा के रहूंगा, ये तो किडनैप करके लेके जा रहे हैं। देखिए जरा, अगर वो लोग किडनैप कर रहे होते तो पुलिस वाले पागल तो थे नहीं, कोर्ट पागल तो है नहीं कि वो देखेंगे नहीं कि वाकई बच्ची को किडनैप किया गया या नहीं किया गया, वो अंडर प्रेशर है या नहीं है। बेशक वो अंडर प्रेशर है, वो सोसाइटी के अंडर प्रेशर है, वो अपने पेरेंट्स के अंडर प्रेशर है, वो पुलिस वालों के अंडर प्रेशर है, वो वकला के अंडर प्रेशर है, वो सबके ही अंडर प्रेशर है। अरे भाई साहब, उसको जीने दो, थोड़ा अरसा उसको सांस लेने दो फिजा में, उसको जीने दो, उसको देखने दो सोसाइटी क्या है, माशरा क्या है, जिंदगी क्या है, उसको थोड़ा सा स्वाद लेने दो हर चीज का, उसके बाद फिर वो खुद ही अपनी जिंदगी का जो है ना अच्छा वाला फैसला कर लेगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बातें समझ में आई हैं और आप लोग चाहते हैं कि मजीद हम अपनी जनरेशन का, ये जो आजकल की जनरेशन चल रही है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसका दिमाग खराब ना करें, तो काइंडली इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज बनाना बंद करिए। दोनों फैमिलीज को अपने अपने हालात पे छोड़ दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो यूट्यूबर्स को साथ में मिला करके, चंद एक यूट्यूबर्स को साथ में मिला करके जाहिर सी बात है अपना फायदा उठा रहे हैं। वो चैनल्स पे नहीं जा रहे, वो कहीं और नहीं जा रहे, वो यूट्यूबर्स को ही वीडियो सेंड कर रहे हैं, मैं फलाने यूट्यूबर को दे दूंगा, फलाने यूट्यूबर को दे दूंगा। खैर ये तो उन लोगों के आपस की पता नहीं क्या खिचड़ी बीच में पक रही है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स भी इस चीज से फायदा उठा रहे हैं, पर फाइन इट्स ओके, इट्स देयर लाइफ, उन्होंने अपने तरीके से जीनी है, वो लोग ऐसे जीना चाहते हैं, वो लोग ऐसे चाहिए, लेकिन खुदारा इस टॉपिक को बंद किया जाए और जनरेशन का दिमाग खराब होने से बचाइए, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की, आजकल हर बंदा जो है वो वर्चुअल हो चुका हुआ है, हर चीज जो है वो वीडियोस की सूरत में देख रहा होता है, न्यूज वीडियोस की सूरत में ले रहा होता है, तो काइंडली बच्चों को खराब मत करिए, मजीद उन लोगों को जीने दीजिए, सांस लेने दीजिए, और ज्यादा सख्ती मत कीजिए। बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखिए ताकि वो आपके साथ हर चीज शेयर करे। अगर शेयर करते हैं पहले तो बड़े प्यार से आकर के, आप माएं आकर के बड़े प्यार से पूछेंगी, हाँ बेटा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा क्या मसला चल रहा है, किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे अपनी सहेली समझ लो, माँ मुझे फलाने जैसे मोहब्बत हो गई, तेरी ऐसी थी तैसी, छितर ले आओ जरा तेरे में इश्क करना, इस तरह के बिहेवियर हो जाते हैं फिर हमारे बाद में। अगर हमने वाकई उनको उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल रखना है तो फिर फ्रेंड्स बन के रहे हो, उनको अच्छे तरीके से समझाओ, उनको बताओ, ना कि उनको धमकियां दो, उनसे हर चीज एकदम से छीन लो, तो बच्चों को तो फिर दिमाग खराब होना ही होना, वो फिर ऐसे स्टेप्स जो है वो उठाएंगे उठाएंगे। सो सोसाइटी को सुख का सांस लेने दो और दुआ जहरा को सुख का सांस लेने दो, अगर वो उसने शादी कर ही लिया तो उसको उसके घर में सुकून से चैन से रहने दो, उसको दुनिया देखने दो, वो खुद ही फिर बाद में फैसले कर लेगी, या वो खुद ही फिर देख लेगी कि हाँ मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं, उसने मजीद फिर आगे क्या करना है क्या नहीं करना, दैट्स अप टू देम। ओके, और अगर आप लोगों को मेरी बात से समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि हाँ अब इस टॉपिक को खत्म होना चाहिए। तो चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूंगी। अगली वीडियो तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।